गुरुद्वारा जीटी रोड बाईपास लंगर माता साहिब देवा करनाल में अमावस्या के अवसर पर शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त किया। संत बाबा जोगा सिंह महाराज ने बताया कि गुरुद्वारे की ओर से दशहरे के अवसर पर संगत आनी आरंभ हो चुकी है, जिसके अंतर्गत शरणा साहिब के नेतृत्व में नगर कीर्तन पाकिस्तान की ओर जाएगा। 14 अक्टूबर को नगर कीर्तन गुरुद्वारे में विश्राम करेगा। इसके अलावा हुजूर साहिब सचखंड साहिब से भी संगत घोड़ों सहित यहाँ पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि सिख पंथ के महान शूरवीर अमर शहीद संत बाबा जंग सिंह जी नानकसर करनाल वालों की याद में यह कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। उन्होंने कहा कि संत अमर शहीद संत बाबा जोगा सिंह ने बताया कि निहत्या पर गोली चलते देख दुख को न सहते हुए उन्होंने अपनी छाती उनके सामने तान दी थी और वह 10 अक्टूबर 1982 को गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब नई दिल्ली में शहीद हो गए थे। ऐसे शूरवीर संत सिपाही नाम रसिक संत बाबा जंग सिंह जी महाराज की मीठी याद में सालाना गुरमत समागम 37वां शहीदी पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसमें उच्च कोटि के कथावाचक पहुंचकर गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत बाबा जंग सिंह जी की याद में आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचकर धार्मिक लाभ प्राप्त करें। यहां हम आपको बता दें कि हर वर्ष यहां पर संत बाबा जंग सिंह जी की याद में शहीदी जोड़ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी ही दूर दूर से संगत पहुंचकर गुरु जी के चरणों में शीश नवाते हैं। हर वेले गुरु की बख्शिश गुरु की रहमत वरस रही है। ये भागा वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये राजे करन की भूमि है, जिथे एडे महादानी राजे होए। इस पवित्र धरती से महापुरख महान शहीद अमर शहीद बाबा जंग सिंह जी जिन्हों पटना साहब तख्त वालों सत्कार दिता गया, श्रोमणी अमर शहीद बाबा जंग सिंह जी, उन्हों की पवित्र सालाना याद जो हर साल 10-11 अक्टूबर को बहुत चढ़दी कला नाल यह शहीदी जोड़ मेला मनाया जाता है, जिस विच पंथ प्रसिद्ध गुरु के ढाडी सिंह, गुरु के कीर्तनीए और सारे तख्तों के जथेदार, सारे दलों पंथों के सिंह साहब जथेदार, 96 करोड़ी बुढ़ा दल के जथेदार, बाबा बकाला साहब तो और जिन्हिया ने अंग सिंह जथेबंदियां ने कार सेवा वाले सारे महापुरख सारे ही आके इत्थे महापुरख अमर शहीद बाबा जंग सिंह दे शहीदी जोड़ मेले ते हाजरियां भरते हैं। सो अज मस्या दा जो समागम है, जो कि हर महीने चढ़दी कला नाल मनाया जाता है, आओ आपां सारे गुरु दे संदेश गुरु दे उपदेश नूं मनीए। गुरु नानक पातशाह जिन्हां ने जगत जलंदे नूं उतारिया, सतगुरां दा 550 साल सारे संसार विच मनाया जा रहा है। मैं कल ही न्यूज़ वेख रहा सी और नेपाल दी धरती ते जिन्हां ने सिक्के गुरु नानक साहब दी याद विच आरा बनाए ने, इस तरह हिंदुस्तान विच भी 550 रुपए का सिक्का जारी होना है। होर गुरु नानक पातशाह दे मिशन नू सारा संसार क्यों संगत जी मन रहा है? गुरु नानक पातशाह दा जो सच्चे पातशाह ने आपां नू उपदेश दिता क्या कीर्त करो, चोरियां डाके नहीं मारने, सज्जन ठग वर्गियां नू राय पाया, भूमियां चोर वर्गे नू राय पाया, इतिहास बड़ा लंबा है, लंबेरा है। गुरु नानक पातशाह दी शोभा तारे गिने जात है ना, तारे गिने जात है। गुरु नानक ने जिन्हां नू तारिया असमान दे तारियां दी गिनती हो सकती है, पर गुरु नानक दे तारियां दी गिनती नहीं हो सकती। इसलिए तारिया जहान लाहिया अपमान, जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नू धन किया तिन जम नेड़ ना आया। गुरु नानक पातशाह सतगुरु की बाणी कहती है, मैं मूर्ख की केतक बात है कोट अपराधी तरिया रे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न भरया, सारिया जूनियां कट्टियां गई। सो ऐसे गुरु नानक पातशाह जगत जलंदे नू तारन आए, उन्होंने कहा भाई कीर्त करो, फिर नाम जपो, तो फिर क्या वंड छको। अज सारे संसार विच गुरु के सिख कीर्त करते ने, अपनी मेहनत करते ने, कीर्त कमाइयां करते ने, अमृत वेले उठ के सिमरन भजन नाम जपते ने, अरदास की करते ने, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। है दुनिया में कोई धर्म अपनी बंदगी अपना जाप अपना सिमरन अपना भजन करन तो बाद अरदास करे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।